अपने मेडल गंगा में बहाने पहुंचे पहलवान। हरिद्वार में गंगा किनारे खूब रोए पहलवान। दिया 5 दिन का कैसा अल्टीमेटम। वो पहलवान जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की शान बढ़ाई थी, जिन्होंने विदेशी धरती पर कई बार भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा उठाया, वो पहलवान हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी के किनारे जार जार आंसू बहाते रोते दिखाई दिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे थे, लेकिन 28 मई को दिल्ली पुलिस ने इन्हें मार्च करने से रोका और फिर उसी दौरान हुई खींचतान के बाद धरना स्थल से इनके तंबू को भी उखाड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने अब धर्मनगरी हरिद्वार का रुख किया और गंगा नदी के किनारे बैठ गए। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अपने सारे जीते हुए मेडल्स गंगा नदी में बहा देंगे। इसके लिए इन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इनकी मांग है कि अगर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं लिया जाता और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो वे न सिर्फ अपना धरना जारी रखेंगे बल्कि 5 दिन के बाद अपने मेडल्स भी गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे। इन्होंने अपने अपने मेडल्स किसान नेता नरेश टिकैत के पास जमा करवा दिए हैं। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार में इनके साथ साथ दिखाई दिए। हर की पैड़ी पहुंचने के बाद ये पहलवान वहीं बैठ गए, जहां इन्हें काफी देर तक रोते हुए देखा गया। इनके हरिद्वार पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर अब और ज्यादा विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि एक और पहलवान है जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार है जिसने अब तक बृजभूषण सिंह के इस्तीफे आदि को लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों को हरियाणा के कुछ खाप पंचायतों ने भी अपना समर्थन दिया हुआ है, जबकि पहलवानों का साथ देने के लिए कुछ बड़े किसान नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में इस विवाद के जल्द शांत होने के आसार कम ही दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 7 महिला पहलवानों ने, जिनमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर चली सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज की थी। उसमें WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354 ए, 354 डी के तहत केस दर्ज किया गया था। उन पर लगाई गई IPC की धाराएं फिजिकल अब्यूज या शारीरिक छेड़छाड़, कॉमन इंटेंशन, अश्लील तरह के इशारे और स्टॉकिंग आदि से संबंधित हैं, जबकि बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई दूसरी FIR पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज FIR के बावजूद उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर पहलवानों की नाराजगी बढ़ी हुई है। अब जबकि उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की घोषणा कर दी है, ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार पर कुछ हद तक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इसमें अब आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।